सबसे पहले हमारे लड्डू गोपाल शुरू करेंगे कीजिए, शो इनके नाम पे यार कीजिए। क्या बोला आपको, आई एक्साइटेड शो शुरू होने वाला हमारा? यस, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। सो हम फाइनली शो की प्रोमो लॉन्च हो चुका है, सबको पता है कब आ रहा है। सो वी आर रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये शो एज वी ऑल नो इट इज नॉट अ टिपिकल शो, इट इज ऑल्सो नॉट अ माइथोलॉजी शो। ये आज के जमाने की कहानी है, बट येट टॉपिक पिक्ड फ्रॉम माइथो टाइम, और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट है आज के जमाने, और लड्डू गोपाल दोनों की कहानी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शो चल रहा है, डेली सोप है, इमोशन ऐसा नहीं है। पीपल विल गेट टू लर्न सो मच अबाउट लड्डू गोपाल। कृष्ण जी पे बहुत सारे शोज आए, बट यू नो लड्डू गोपाल स्पेसिफिकली बहुत कम ऐसे शोज है जो हमने देखे होंगे। सो आई थिंक पीपल विल गेट टू लर्न सो मच, दे विल एक्सपीरियंस सो मेनी इमोशंस, बहुत सारी चीजें लोगों को देखने मिलेंगी। तो मैं एक्चुअली, मैंने फर्स्ट एपिसोड खुद भी अभी नहीं देखा है, दो आई हैड एन ऑप्शन के मैं देख लूं, बट आई वॉन्ट टू सी एट द लॉन्च। सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड के शो लक कैसा रहा है, आप लोगों को कैसा लगा, एंड आई होप जितनी मेहनत हम लोगों ने की है आप लोगों को पसंद आए, बस दैट्स इट। कैसा रहा छोटे से इसके साथ? एनी टाइम वेन ही इज ऑन सेट ना, आई एम बींग वेरी जेन्युइन, वेन एवर ही इज ऑन सेट आई थिंक वो एक फायर रहती है सेट पे, क्यूटनेस रहती है सेट पे, मुझे लगता था मैं ही हूँ, बट ये मुझसे ज्यादा है। एंड ही इज ऑलवेज स्माइल, लुक एट हिज स्माइल, ये पूरे सेट पे ऐसे एकदम हैप्पी चोपी, इजी टू गो, और इतना ज्यादा इसको मतलब इसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज हिज गेटअप एंड ऑल दैट। आज तो फिर भी थोड़े नॉर्मल गेटअप में, बट यूजली वेन ही बिकम्स कृष्ण, वेन ही बिकम्स लड्डू गोपाल, तो उसको बहुत सारा अटायर पहनना पड़ता है, चीजें पहननी पड़ती है, बट ही इज वेरी पेशेंस, ही इज वेरी पेशेंस, वो बहुत ही पेशेंटली बैठेगा, अपनी लाइन्स करेगा, ऐसी ऐसी लाइन्स वो बोलता है ना जेन्युइनली, जो मैं पढ़ के थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ, बट ही इज वेरी प्रो, एंड क्रेडिट गोज टू हिज मदर जो उसको करवाती है, बट ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, बंडल ऑफ क्यूटनेस एंड जॉय। जब सेट पे ये आता है ना, तो सबका ग्रीट करने का तरीका अलग ही हो जाता है, पीपल कॉल हिम लड्डू गोपाल, लड्डू जी ऑन सेट ऑल्सो, तो सब इसके साथ खेलते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट इवन इफ ही शूटिंग फॉर द एंटायर डे, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी एंड चोपी टू गो। सो इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है जब भी ये सेट पे होता है, तो मेरा कंफर्ट जोन, बिकॉज मेरे लिए मेरा शो का हीरो ये है, वो है ही, सो इसके साथ हमेशा मजा आता है। Tell us something about your role. So, तुलसी आज के जमाने की लड़की है, येट शी फॉलोज अ ट्रेडिशन वाला टाइम, बिकॉज उसके फादर एक कथावाचक है, बचपन से उसने लड्डू गोपाल की कहानियां सुनी है, उसने कथाएं सुनी है, वो इतनी ज्यादा अटैच्ड है लड्डू गोपाल से, एंड शी हैज दिस फेथ कि उसे पता है एक ना एक दिन लड्डू गोपाल उसकी लाइफ में ना आएंगे, उसको दर्शन देंगे, उसे ये बिलीव है कि यू नो ही एग्जिस्ट एंड ही इज गोना बी देयर फॉर मी। तो वो एक भगवान की भक्ति तो चलो करती ही है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान भगवान, वो एक्चुअली उन्हें अपना फ्रेंड मानती है, उसी तरह उनसे कंप्लेन भी करती है, उनसे चीजें मांगती भी वैसे ही है। सो शी इज समवन जो बहुत ही करेजियस है एंड बहुत ही सिद्धांतवादी है, उसको पता है लाइफ में क्या सही क्या गलत है, एंड शी इज समवन जो हमेशा अपने मॉम डैड की बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड रही है, बिकॉज शी इज ओनली चाइल्ड, बहुत पैम्पर्ड रही है, उसने हमेशा सही का मार्ग चुना है, क्योंकि उसके फादर ने उसे सब कुछ सिखाया है, सही क्या होता है गलत क्या होता है सब समझाया है, फिर उसके ऊपर है कि वो कौन सा मार्ग चुनती है। एंड दिस हिंदी कमिंग आउट ऑफ माई माउथ इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मैं सेट पे काफी चीजें सीख रही हूँ, तो हमारी तो लैंग्वेज ही ऐसे होगी ना, हमें हिंदी हिंदी ज्यादा बोलते ना, बस हिंदी पीपल, तो ये आपने लाइक कैरेक्टर के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, यू हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स, आपने किस तरह की रिसर्च की व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट एंड व्हेन यू जब आपको पता चला कि इस तरह का किरदार होने वाला है? ऑनेस्टली मैंने ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लड्डू गोपाल और मेरा एक बैक, मतलब कृष्ण और मेरी एक, नॉट स्पेसिफिकली लड्डू गोपाल, बट कृष्ण और मेरी एक अपनी स्टोरी, व्हेन आई वाज अ डांसर, व्हेन आई एम स्टिल अ डांसर, बट बैक देन आज से 8-9 इयर्स बैक आई यूज टू परफॉर्म ऑन अ सॉन्ग वेयर आई हैड टू कैरी दिस कृष्ण जी की मूर्ति, एक मेरे साथ हमेशा रहती थी, वो आज भी मेरे साथ है, तो मैं एज मीरा परफॉर्म करती थी, तो उस वक्त से मैं कृष्ण जी से बहुत अटैच हूँ, वो आज भी मूर्ति मेरे पास है, तो तब मैंने कुछ चीजें सीखी थी, यू नो कृष्ण जी की भक्ति थोड़ी बहुत सीखी थी मैंने, वो आज तक मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड हुई है, और वो एक स्पेशल अटैचमेंट उनके साथ मेरा है। एंड इन दिस शो ऑनेस्टली हमारे जो राइटर है सीएल सैनी जी, ही इज अ वंडरफुल राइटर, एंड व्हेन ही एक्सप्लेन समथिंग नो, वो जब आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे ना, आपको सब विजुअली समझ में आएगा,
और जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ यू नो स्पेसिफिकली अपनी तरफ से चीजें पिक करने की. ही सो प्रो इन व्हाट ही डज. वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है और एक्चुअली तुलसी है क्या. तो तुलसी थोड़ी थोड़ी अक्षता ऑल्सो. तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं रिसर्च करनी पड़ी. आई एम जस्ट बीइंग मी. कृष्ण भक्ति ले लो या फिर डिसीजन मेकिंग ले लो, तुलसी अक्षता काइंड ऑफ सेम है. तो दैट्स इट. ज्यादा रिसर्च नहीं पड़ी. मैं शो के दौरान एक्चुअली बहुत कुछ सीख रही हूँ. ऑनेस्टली मैं शो करते करते बहुत कुछ सीख रही हूँ. मैं लैंग्वेज सीख रही हूँ. मैं छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग सीख रही हूँ. मैंने बोला आपको कि पीपल विल गेट टू लर्न सो मच अबाउट लड्डू गोपाल. वो इसलिए क्योंकि मैं सेट पे बहुत कुछ, जब सीन्स आते हैं ना तो हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या था, ऐसा क्या हुआ था, या फिर लड्डू गोपाल का इस चीज पे डिसीजन क्या था, वो क्या कहते थे. ये सारी चीजें जब स्क्रिप्ट में लिखकर आती हैं और जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, उस वक्त मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है अबाउट लड्डू गोपाल या अबाउट हमारी हिस्ट्री जो भी रही है. तो मैं इसलिए बोल रही थी पीपल विल गेट टू लर्न बिकॉज आई एम लर्निंग एवरी डे समथिंग न्यू. बहुत अच्छी है दीदी, उनके साथ स्वीट बहुत मजा आता है. ऐसे जवाब देगा. मैं ऐसे रहती हूँ ना सर से, है ना. गुस्सा किया कभी नहीं? कभी नहीं किया. नहीं कभी नहीं. को देख के लगता है उसे कोई डांट सकता है. वो गलत सीन भी इतनी कन्विक्शन के साथ करता है, डायरेक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं. कोई नहीं डांटता उसको. उसको सब प्यार से लड्डू जी ऐसी लाइन, लड्डू जी वैसी लाइन. कोई नहीं डांट सकता उसको. लुक एट हिज स्माइल.